कानून व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखे। नासिक के कुछ हिस्सों में फैले तनाव पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जताई चिंता। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने के आदेश। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का पद कभी नहीं मांगा, संजय राउत का बड़ा बयान। दादर रेलवे स्टेशन सूटकेस कांड पर जारी होगा एनआरआई के खिलाफ लुकआउट नोटिस। एनआरआई जसपाल प्रीत सिंह ने एक अन्य आरोपी के साथ रची थी हत्या की साजिश। मुंबई सटे भिवंडी में ऑनलाइन जुए से हुआ कर्जदार, कर दी बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस आगे कर रही जांच। मुंबई सटे नाला सोबारा में शादी का झांसा देकर किया रेप, रहमत नगर इलाके में हुई घटना, पुलिस मामले की जांच कर रही। वसई पश्चिम स्थित ओम नगर में रहने वाले एक युवक को डेंगू हो गया, उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मीरा भाईंदर में 500 साल पुराने किले पर लग रहा शराबियों का जमावड़ा, किला संरक्षण और इतिहास प्रेमी आज शुरू किया आंदोलन। पूजा करके लौट रहे पुजारियों पर कांदीवली में टूट पड़ी भीड़, चाकू और लाठियों से हुए हमले। मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे उतरेंगे चुनावी मैदान में, लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। मुंबई में 5 लोगों ने किया पुजारियों पर हमला, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। मुंबई महाराष्ट्र में नासिक मुंबई हाईवे पर बड़ा हादसा, कसारा घाट में टैंकर 200 फीट खाई में गिरा, 5 की मौत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कांग्रेस एमएलए जीशान सिद्दीकी की मुंबई में जन सम्मान यात्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे का मिशन मुंबई, 18 दिग्गज नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुंबई में पुलिस अधिकारी का नकली बेटा गिरफ्तार, नशे में चला रहा था गाड़ी, रोकने पर कांस्टेबल से की मारपीट। वसई के वरसान इलाके में चोरों ने बड़ा कांड कर दिया, नाला सुपारापुर के अचोले पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी के मध्य 2 दुकानों का शटर उठाकर लाखों का माल लेकर फरार। वहीं वसई वीरा नाला सुपारा में महिलाओं ने लोकसभा समन्वयक नवीन दुबे को राखी बांधकर मुख्यमंत्री का जताया आभार।